अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पर आज हम लोग का प्रोग्राम बना था जे डॉट पर जाने का। जे डॉट की शॉप पर सेल लगी हुई थी और हमेशा जब भी मैं इस तरफ जाती हूँ ये मेट्रो बस मेरे सामने आ जाता है और मेरा दिल करता है कि मैं इस पर बैठ जाऊँ, लेकिन अफसोस मैं कभी इस पर बैठ नहीं पाती। यहाँ पर हम लोग चांदनी जा रहे थे गैरीजोन पर, जहाँ हम लोग गैरीजोन आए हुए थे, और जे डॉट पर जो सेल लगी हुई थी आज़ादी सेल, मैंने कहा बहुत अच्छी सेल लगी है तो चले मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। एंडियोर पर भी सेल थी, फ्लेट अप टू 51 जो थी, स्टाइलो पर भी सेल थी, लेकिन मुझे स्टाइलो से कुछ इस बार लेना नहीं था। और इसके अलावा डाइनर्स पर भी इन लोगों ने फ्लेट 25 और 40 लगाया हुआ था। और जे डॉट वालों की आज़ादी सेल थी, इनकी सेल तो अक्सर लगती रहती है, लेकिन इनकी आज़ादी सेल इस बार बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर इनकी अनस्टिच कलेक्शन है, पार्टी वेयर ड्रेसेस भी हैं, जैसे एक मंथ बाद फिर से शादियां स्टार्ट हो जाएंगी उसके लिए कलेक्शन बहुत अच्छी थी। ये ऑरेंज वाली जो थी जिस पर बर्ड बना हुआ है, ये इनकी साड़ी थी और ये भी कुछ इतनी महंगी नहीं थी, फ्लैट 25 पर ही रखी गई थी। और इसके बाद यहाँ पर ये अनस्टिच कलेक्शन है, जैसे घर वगैरह में पहनने के लिए काम आती है, या मिलाद का महीना आएगा तो उसमें ऐसी ड्रेसेस हमें काम आती हैं, तो इसलिए 2700 तक हमें 3 पीस पड़ रहा था। और जो है बहुत ही प्यारे थे ये ड्रेसेस। और इसके बाद ये जो 2 पीस था ये इसलिए एक्सपेंसिव था क्योंकि इसकी जो शर्ट थी वो एम्ब्रॉयडर्ड थी। और इसके बाद इन लोगों ने ये टेबल पर भी अनस्टिच कलेक्शन रखी हुई है। और जो है इसके अलावा इनकी लाइटिंग बड़ी कोई ख़राब थी इसलिए वीडियो मेरी अच्छी नहीं आई। यहाँ पर इन लोगों की सारी शर्ट्स रखी हुई हैं, शर्ट्स के कलर बहुत ही प्यारे थे। इनकी ज्वेलरी है जिस पर प्लेट 25 था, और ज्वेलरी भी इनकी अच्छी होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन अदरवाइज़ ठीक है। यहाँ पर ये दुपट्टे हैं, इनके दुपट्टे आप लोग किसी भी कुर्ती वगैरह पर मैचिंग कर ले सकते हैं। और इनकी स्टिच कलेक्शन पर फ्लेट 25 और 40 था, इनकी स्टिच कलेक्शन थोड़ी महंगी होती है, सिंगल शर्ट ही बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। यहाँ पर ये फुटवेयर है, इनके पास जो है खुस्सा है, स्लीपर्स हैं, और वो भी रीज़नेबल रेट पर रखे हुए थे, किसी पर फ्लेट 25 तक, किसी पर फ्लेट 40 था। जो फ्लैट 40 वाले थे वो तो आउट ऑफ स्टॉक ही थे, 25 वाले पड़े हुए थे। और ये जो था ऊपर सेक्शन पर भी इन लोगों ने टेबल पर कपड़े रखे हुए थे। यहाँ पर जो स्टिच कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट जो है पार्टी वेयर थे, पार्टी वेयर कपड़े भी इनके बहुत ही प्यारे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन लोगों ने बच्चों के कपड़े भी रखे हुए हैं, ये देखें कलर्स कितने प्यारे हैं बच्चों के कपड़ों के लिए। वैसे ही कपड़ा लो, लेसेस लो, महंगे पड़ जाते हैं, तो इनकी स्टिच कलेक्शन इतनी कोई प्यारी होती है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये देखें इनकी स्टिच कलेक्शन ही है बच्चों की। और इसके अलावा यहाँ पर ये ग्रीन ड्रेस इन लोगों ने रखा हुआ है, और ये जो है कुछ बैग्स हैं जो फ्लैट 25% ऑफ में थे। यहाँ पर ये जेंट्स के कपड़े रखे गए हैं, स्टिच भी थे अनस्टिच भी थे। यहाँ पर ये इनके जो है जूतियाँ भी रखी हुई थी लड़कों के लिए, ये इनकी स्टिच कुर्ते थे, यहाँ पर ये अनस्टिच फैब्रिक था इनका। ये टोपियाँ भी रखी गई हैं क्योंकि जे डॉट जो थे हमारे जुनैद जमशेद भाई वो टोपी वाले बंदे थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। और यहाँ पर ये इनके जेंट्स की कलेक्शन थी। और इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों ने डिस्प्ले में रखे हुए हैं परफ्यूम्स पर भी फ्लैट 25 था, किसी पर 40 भी था। ये इनकी मेकअप की कलेक्शन है, मेकअप भी बहुत अच्छा होता है इनका। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और भी जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं शॉपिंग के व्लॉग्स प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।